गरियाबंद जिले के दौरे पर पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने महासमुंद लोकसभा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी के पक्ष में जिले के खड़मा छोरा में प्रचार किया और तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का आह्वान किया। इसी दौरान मीडिया के मुखापित होते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस विकास की राजनीति छोड़ विभेद की राजनीति कर रही है, प्रदेश की जनता इन्हें सबक सिखाने वाली है। इस बीच उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मंच से महासमुंद लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि 5 साल तक गृहमंत्री होते हुए भी नक्सलवाद खत्म करने के लिए उन्होंने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मोदी जी ने कहा है अभी टेलर है, पूरी फिल्म तो बाकी है। आइए सुनते हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा। चाहूंगा भैया कि इनको विकास के संदर्भ में विकास के लिए बात करके राजनीति करना चाहिए, समाज में विभेद करके ये राजनीति करना चाहते हैं, ये नरेंद्र मोदी जी को गाली देकर राजनीति करना चाहते हैं और इतनी गंदी गालियों की बात है और उसके बाद बड़े नेता इनके सेल्फी खिंचवाते हैं, माने हद है भैया इस बात की, एकदम हद है, गलत कर रहे हैं। बाकी कोई और इनके प्रति क्या करेगा वो बात का विषय होगा, जनता सजा देगी भैया। आपका कांग्रेस यहाँ से आपके प्रत्याशी है, उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ कुछ नहीं किया, 5 वर्षों में अब तक वो गृहमंत्री रहे उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ कुछ नहीं किया। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए ये हम सब मानते हैं, लेकिन नक्सलवाद के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं किया। 5 वर्षों में 250 ऐसी सड़कें हैं, 90 ऐसे पुलपुलिया हैं जिनको बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, 5 वर्षों में उसको बनाने के लिए कोई कवायद नहीं की गई, वो सब कुछ पड़ा है। किसके ऑर्डर पर नहीं बना रहे थे भाई, किसके ऑर्डर पर नहीं बना रहे थे?